हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो आपने जो अभी तक हमने पढ़ा है, आपने मेंडल्स के बारे में पढ़ा, मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ा, चारों लॉ हमने पढ़े, सेक्स डिटरमाइन किया। अब जो है हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स, तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने ब्लड ग्रुप है? AB AB एंड O, ये चार ब्लड ग्रुप ह्यूमन्स के अंदर होते हैं। अब जो चार ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं AB AB और O ब्लड ग्रुप। अब जिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ए ब्लड ग्रुप होता है, उनके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है और एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर ए ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। मतलब क्या है, बी एंटीबॉडीज का और ये एंटीजन का, ठीक है। इसको समझो कि अगर मान लो इसके सरफेस के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करके ही पता चलता है कि इसको अटैक करना है या ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर मान लो ये ए ब्लड ग्रुप वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, ये वाला बी ब्लड इस ऑर्गेनिज्म को अगर दे देते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज है ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगी। इनके साथ बाइंड करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ में आ रहा है बात? तो अब क्या है, इस ए वाले को बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ए वाले को ए ब्लड ग्रुप ही देना पड़ेगा ताकि ये इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो। ये वही अगर आप बी ब्लड ग्रुप वाले के केस में देखोगे, बी के ऊपर जो रिसेप्टर ये प्रेजेंट है ना, इसके अंदर एंटी ए प्रेजेंट है, मतलब एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। अब एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, इस बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम ए ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। अगर ए देंगे तो उस केस में क्या होगा, ये एंटीबॉडीज उसके साथ बाइंड करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे आप देखोगे एंटीबॉडीज के ये जो ऊपर शेप भी आप देख रहे हो, ये इसी तरीके से दिखाई गई है आपको कि ये ए वाले के साथ जुड़ सकता है और ये बी वाले के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, जबकि बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर एंटीबॉडी ए होगी, क्लियर। अब ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो अब आप इसको किसी का भी ब्लड दे दो, चाहे ए दे दो, चाहे बी दे दो, चाहे ओ दे दो, पर इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज तो फॉर्म होगी नहीं। तो एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों? इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज यहाँ पे नहीं है प्लाज्मा के अंदर, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा दूसरे ब्लड ग्रुप के खिलाफ। पर यही आप देखोगे ब्लड ग्रुप ओ के अंदर, ओ के ऊपर देखो सरफेस के ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है पर एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर कोई भी यहाँ रिसेप्टर नहीं है, तो अगर ये वाला ब्लड ग्रुप हम दूसरे को देते हैं, मतलब ए वाले पर्सन को दे दिया, तो ए वाले पर्सन को अगर ये देते हैं, अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, तभी बनेगी ना जब यहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ ये एंटीबॉडी अटैच होगी। पर ये तो इसके साथ अटैच हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं है, ना ही ए वाले एंटीजन है, ना ही बी वाले एंटीजन है, कोई भी एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब इसके पास यहाँ पे कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ए को दें चाहे बी को दें चाहे ए बी को दें, किसी को भी दे सकते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। तो आप ध्यान रखोगे अब रीजन के साथ कि ए बी ब्लड ग्रुप को क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये ब्लड सभी से ले सकता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होती। और यहाँ पे ओ के केस में उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, वो सभी को ब्लड दे सकता है पर सभी से ले नहीं सकता, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे दोनों के खिलाफ क्या आ जाएगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ए अगर ब्लड ग्रुप दोगे उसके खिलाफ एंटीबॉडी ए वर्क करेगी, और वहीं बी वाले के दोगे तो बी एंटीबॉडी उसके खिलाफ वर्क करना शुरू कर देगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि ओ जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं, यूनिवर्सल डोनर है,
जबकि ए बी जो है यूनिवर्सल डोनर नहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो सभी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि ओ वाला सभी को दे सकता है। क्लियर, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये जनरल था, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा था। अब देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे है, कि ये जो ब्लड ग्रुप है इनहेरिट कैसे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जैसे आपको पता होता है कि आपके फादर का क्या ब्लड ग्रुप है, मदर का क्या ब्लड ग्रुप है, उसके बेस पे आपका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है वो आप पता लगा सकते हो। इसी तरह अननोन जो पर्सन होते हैं उनका भी ब्लड ग्रुप पता लगाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप मेनली ये चार तरह के, तो ये चार क्या है उसके फिनोटाइप्स हैं, राइट। पर जीनोटाइप्स की अगर बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप, तो ए और बी ये दोनों क्या है डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे IA, ये दोनों डोमिनेंट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर AA है तो इसका मतलब क्या है, ए ही ब्लड ग्रुप आएगा। पर यहां देखोगे IAI, ये स्मॉल आई रिसेसिवनेस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ए जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, जबकि छोटा आई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिसेसिव है, ठीक है। ये आई जो यहाँ पे यूज हो रहा है, इस आई का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है आइसो अग्लुटिनोजन। आई का क्या मतलब है आइसो अग्लुटिनोजन, जो कि दूसरा टर्म होता है एंटीजन का, ठीक है। तो आई टर्म यहाँ पे उससे लिया गया है, ध्यान रखना है आपको। बी जो है बी, इसी तरह दोनों बी बी वाले हैं तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप आएगा सिंपल। पर आई वाला जो स्मॉल आई आ रहा है ये रिसेसिव है, तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा, तो इस वजह से भी ये बी ब्लड ग्रुप ही शो करेगा। ए बी, यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, इसका मतलब ये क्या शो करेगा को डोमिनेंस, ध्यान रखना ये क्या शो करेगा को डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, तो दोनों एक्सप्रेस होंगे, तो इसलिए ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों एंटीजन इसके ऊपर शो हो रहे हैं, बी वाला भी हो रहा है और ए वाला भी हो रहा है, राइट। अब देखोगे दोनों अगर स्मॉल आ जाते हैं आई आई, जिस केस के अंदर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है उसके सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब वो क्या है ओ ब्लड ग्रुप है, ये रिसेसिव करेक्टर जो है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कोई मदर है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, पर वो हेटरोजाइगस कंडीशन में है, मतलब कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, मतलब ये वाली कंडीशन हमने यहाँ ली है, राइट। और दूसरा जो फादर है उसके पास ब्लड ग्रुप बी है, और उसके अंदर यहाँ देखोगे जीनोटाइप ये भी हेटरोजाइगस कंडीशन में, मतलब एक रिसेसिव जीन इसके पास प्रेजेंट है। अब इसके जब गैमेट्स बनेंगे तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एक गैमेट के पास एक आएगा, तो एक ए डोमिनेंट वाला एक गैमेट के पास चला गया और रिसेसिव वाला आई दूसरे गैमेट में चला गया। इसी तरह यहाँ से बी वाला एक गैमेट के अंदर आ गया और स्मॉल आई दूसरे गैमेट के अंदर। अब जब क्रॉस होगा तो जैसे आप बेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते थे उसी तरीके से यहाँ पे होगा, ये आई ए जो है ये आई बी के साथ फ्यूज कर सकता है और आई के साथ भी फ्यूज कर सकता है, प्रोबेबिलिटी पे है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों फ्यूज होते हैं, ए मतलब बी के साथ फ्यूज होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, क्लियर। पर अगर ए वाला इस स्मॉल आई के साथ अगर फ्यूज करता है तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा ए, क्योंकि आई अपना एक्सप्रेशन स्मॉल आई अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा। इसी तरीके से अगर ये स्मॉल आई जो है ये बी वाले के साथ अगर फ्यूज करता है तो यहाँ पे क्या कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा बी, और स्मॉल आई अगर स्मॉल आई वाले के साथ करता है तो ओ। तो इसका मतलब क्या है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का बी है और दोनों हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तो चारों के चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है सन या डॉटर के अंदर आ सकते हैं, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए इसी कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है ओ ब्लड ग्रुप की, तो आप क्या बोलोगे 25%, या फिर कैसे बोलोगे 1/4, है ना, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज टोटल पॉसिबल है और 4 में से जो एक है वो क्या है ओ ब्लड ग्रुप वाला, तो ओ की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4 या 25%, सिंपल, राइट। इस तरीके से क्या होगा ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस हो सकता है। तो आपको क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है, अगर बोल सकता है कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है फादर का भी ओ है, तो आप बताओ कि सन जो होगा उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकते हैं,
ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल है इनको अटेम्प्ट करना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ओ, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके पास जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आई राइट है ना, एंड दैट ऑफ मदर इज ए। अब एक मदर का अगर ब्लड ग्रुप है तो इसके दो जीनोटाइप पॉसिबल है, जो हमने यहां देखे थे, कैपिटल आई ए या फिर कैपिटल आई ए स्मॉल आई, तो ये दो जीनोटाइप पॉसिबल है। तो यहाँ पे इन्होंने जीनोटाइप दिया हुआ है हमें कैपिटल आई ए स्मॉल आई। अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर ओ ब्लड ग्रुप की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको सिंपल है, क्रॉस करके देखना है, इसको इसके साथ क्रॉस कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आप बताओगे प्रोबेबिलिटी। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आंसर आता है। क्लियर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपका आंसर सेम नहीं आता तो आप देखोगे आप कहां गलती कर रहे हो राइट। तो यहां पे आप देखो, मैंने एक तरफ ले लिया मदर का ब्लड ग्रुप आई ए स्मॉल आई और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने फादर का ओ ब्लड ग्रुप लेना है, ये गलत यहां मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे दोनों तरफ स्मॉल आई आएगा राइट। तो स्मॉल आई यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब आप देखोगे गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे कौन सा गैमेट्स आएगा, कैपिटल आई ए इस गैमेट के अंदर चला जाएगा, स्मॉल आई इधर आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे स्मॉल आई और स्मॉल आई ये दोनों गैमेट बनेंगे, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है तो दोनों स्मॉल आई ही होंगे, अंडरस्टूड है, क्योंकि रिसेसिव कंडीशंस के अंदर ही ये ब्लड ग्रुप आता है। अब हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे इनकी फ्यूजन की। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है दोनों केसेस में स्मॉल आई के साथ ही फ्यूज कर रहा है, तो हम दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी यही बनेगी। और दूसरा अगर गैमेट देखें आई, तो यहाँ पे दोनों सेम ही है स्मॉल आई, तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी यही बनेगी। तो इसका मतलब 50% चांसेस है किसके, ए ब्लड ग्रुप के, और 50% चांसेस है ओ ब्लड ग्रुप के। तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी ओ ब्लड ग्रुप की, जैसा क्वेश्चन में पूछा था। तो क्या हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2, और आप किस फॉर्म में लिख सकते हो 50%, अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस तरीके से कई बार एमसीक्यू भी बना के पूछ सकता है और आपको बोल देगा इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे इस कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर बी और ए बी, ये दो ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है, है ना, बी ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है, ए बी भी नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली, इसको इतना बड़ा मैकेनिज्म करने के बजाय डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर एमसीक्यू आते हैं, पर प्रेफर करो आप क्रॉस करवा के देख लो, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे और श्योर हो जाओ कि आंसर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको भी अटेम्प्ट करके देखो। और उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा राइट। तो आज के लिए काफी है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ना भूले। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।